आज की क्लास में पिवट टेबल के अंदर हम कैलकुलेशंस के बारे में समझाएं। ओके, तो यहां हम आते हैं इंसर्ट में पिवट टेबल लगा। पिवट टेबल में मान लीजिए कि हमने अपना प्रोडक्ट सेल्स चैनल वाइज टोटल अपनी क्वांटिटी निकाली। ठीक है, यहां दिख रहा है कि हमने इस डेटा में हमने बताया कि मेरे किस सोर्स से मेरा कितना सेल्स हो रहा है। अब मुझे इसी के बगल में पता करना है कंट्रीब्यूशन, कि कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन, कि एप्लीकेशन टोटल सेल का कितना परसेंट होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना परसेंट करता है सेल, इन हाउस पे कितना सेल होता है, ऑनलाइन कितना सेल हो रहा है, रेफरेंस के थ्रू कितना सेल हो रहा है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करेंगे, अगर हम पिवट में कैलकुलेशन ना करें तो हमें करना पड़ेगा कि B4 डिवाइड बाय B9। ठीक है, और फिर ड्रैग करके इसके ऊपर परसेंटेज लगा के नीचे ड्रैग करना हो। पर प्रॉब्लम क्या है, ये पिवट का पार्ट है। किसका पार्ट है, सॉरी, ये पिवट का पार्ट नहीं है, नॉर्मल एक्सेल का है। अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं और कल के डेट में मान लीजिए कि मैं एमआरपी को यहां रखता हूं, तो क्या होगा, मैसेज देगा यस करते ही आपकी कैलकुलेशन गायब। सो मैं चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन पिवट के इनबिल्ड हो, ताकि मुझे बार बार जो है इसको चेंज ना करें। राइट, कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए हम क्वांटिटी को एक बार और रखेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम किसी भी फील्ड को मोर देन वन टाइम सिर्फ वैल्यू सेक्शन में रख सकते हैं। मोर देन वन टाइम कहाँ रख सकते हैं, वैल्यू सेक्शन। अब यहां पे हम क्लिक करते हैं एंड वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओ, कहाँ जाएंगे, वैल्यू सेटिंग। यहाँ पे जैसे कि आप सम काउंट एवरेज मिनिमम की कैलकुलेशन तो चेंज कर ही सकते हैं, ऊपर आपको यहां दिखेगा सो वैल्यू एच, क्या दिखेगा, सो वैल्यू एच। अब इस पे मैं क्लिक किया, राइट, और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ले रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, इसको क्लिक किया, या कॉलम टोटल भी, ये जो है ग्रांड टोटल ही कहलाता है, इसलिए परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, जस्ट ओके किया। आप देखिए यहां पे कंट्रीब्यूशन डल, इसमें क्या क्या है, चलिए एक बार बताता हूं। मैं इसको हटाता हूं और मैं रीजन को रखता हूं कॉलेज। अब देखिए ये जो नीचे टोटल दिख रहा है, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ, इसको बोलते हैं कॉलम टोटल, क्या बोलते हैं, कॉलम टोटल। और यहां जो आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं रो टोटल, और ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रांड। अब आप कैलकुलेशन करते समय जब यहाँ आएंगे सो वैल्यू एज में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कई सारे ऑप्शन, जैसे कि परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, इसका मतलब हुआ कि जितने भी फिगर्स है वो सारे फिगर्स को 959046 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल कर दिया, तो हर कॉलम का जो टोटल है इंडिविजुअली उसी के कॉलम के टोटल से डिवाइड होगा और यहाँ पे परसेंटेज आएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर रो टोटल कर दूं, इसका जो रो दिख रहा है उसके हिसाब से यहां पे डिवाइड होके ओके कीजिएगा, परसेंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मेरा एक टारगेट सेट, मेरा एक टारगेट सेट, जैसे कि मैं चाह यहां पे मेरा जो टारगेट सेट कि हर चैनल का जो टारगेट होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए कम से कम 2.5 लाख। तो किसने कितना परसेंट टारगेट अचीव किया, मतलब हर नंबर को मैं 2.5 लाख से डिवाइड करना चाहता, तो कैसे करें, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम डेटा में आएंगे और जहां सेल्स चैनल है हमारा, इस पे लिख देंगे टारगेट। ठीक है, और जहां क्वांटिटी है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख कर दिया, 2.5 लाख कर दिया।
अब ये मेरे कीवर्ड के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं। अब यहां पे एक नई चीज सीखी कि अगर डेटा में कोई चेंजिंग करते हैं तो आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका कीवर्ड अपडेट कर, लेकिन कोई नया डेटा नीचे ऐड करते हैं तो रिफ्रेश करने से आपका ऐड नहीं। कैसे ऐड होगा? तो पीवर्ट, क्योंकि हमने जो पीवर्ट लगाया था वो पीवर्ट 17665 तक ही था, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पीवर्ट टेबल के अंदर और यहां दिखेगा आपको चेंज डेटा सोर्स। क्या दिखेगा? चेंज डेटा सोर्स। इस चेंज डेटा सोर्स पे हम जाएंगे और पूरे के पूरे पीवर्ट को हम दोबारा से सिलेक्ट क्या करेंगे, पीवर्ट को दोबारा से सिलेक्ट कर एंड ओके कर। यहां देखिए टारगेट आ गया। अब मैं एक बार और क्वांटिटी को रखता हूं और यहां वैल्यू फील्ड सेटिंग में आके सोफ एम में यहां दिखेगा परसेंटेज ऑफ, दिख रहा है परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ का मतलब हुआ कि आप यहां चूज कर सकते हैं कि किससे परसेंट निकाल। जैसे हमने टारगेट सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो देखिए टारगेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज है, तो जो 2.5 लाख था उससे सबको डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझे? अब इसमें और भी है, परसेंटेज के बाद यहां पे आएगा डिफरेंस फ्रॉम, भाई टारगेट से कितना रह गया है तो डिफरेंस निकाल देगा कि भाई इतना रह गया, कितना परसेंट रह गया है वो इसी में आपका आएगा, यहाँ पे परसेंट डिफरेंस ये आ गया। अब कई बार क्या होता है कि मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया और इस रिपोर्ट के अंदर में मैंने डेट ले और डेट जो आया इसको मैंने ग्रुप कर दिया मंथ वाइज। ठीक है, क्या कर दिया, मंथ वाइज ग्रुप कर। अच्छा, इसमें देखिए ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा नीचे ब्लैंक सेलेक्ट है, इसको तो हम ब्लैंक को हटा देता हूं। यहाँ पे हम डेट लेते हैं और राइट क्लिक किए, हमने ग्रुप बताया था आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में सॉरी, हम मंथली। अब इसके अंदर मैंने क्वांटिटी ले, अब मुझे यहां पे क्यूमुलेटिव चाहिए। जानते हैं क्यूमुलेटिव क्या होता है? रनिंग टोटल, मतलब कि ए आएगा फिर इसमें ये जुट जाएगा फिर इसमें तीनों का जोड़ जोड़ चौथों का जोड़। तो ऐसे केस में हम आएंगे वैल्यू फिर यहाँ पे एक बार और हम क्वांटिटी को रखते हैं और इसमें वैल्यू फील्ड सेटिंग में आएंगे, यहाँ पे देखिए दिखेगा रनिंग टोटल, क्या दिखेगा, रनिंग टोटल एंड ओके कर दीजिए। ये देखिए रनिंग टोटल, मुझे परसेंटेज चाहिए कि भाई जनवरी में टोटल सेल इतना परसेंट था, फरवरी में इतना हुआ, मार्च में इतना हुआ, मतलब कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज चाहिए। तो क्या करेंगे, मैं एक बार और इसको रखता हूं और यहां पे रनिंग टोटल परसेंटेज आए। ठीक है, देन ये जो कैलकुलेशन मैंने बताया ये हमारा कैलकुलेशन आया, तो आया आपका आइटम कल। ठीक है, अब कई बार मुझे आइटम्स को कई बार जो है मुझे फिल टू फिल कैलकुलेशन करनी, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि डेटा है यहां पे मारती है, मैं सेल्फ मैं मूव पे आता हूं यहां ये पेस्ट कर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे हम आ रहे हैं एडिटर, अब मुझे क्या चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट बाय, जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं रीजन ही मान लीजिए, रीजन बाय मेरा यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ और मुझे यहाँ पे एवरेज ऑफ एमआरपी आ, क्या आ गया, एवरेज ऑफ एमआरपी। अब मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इस फील्ड को इस फील्ड से मल्टीप्लाई डेटा में नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे पीवर्ट के अंदर ही करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे केस में
हम पिवट टेबल एनालाइज के अंदर आपको दिखेगा फिल आइटम सेट। इस फिल आइटम सेट में आपको दिखेगा कैलकुलेटेड फिल। क्या दिख रहा है? कैलकुलेटेड फिल। इस कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर हम जाएंगे, और यहां पे हम फिगर रखेंगे अमाउंट, ठीक है। और मैं यहां पे इंसर्ट करता हूं क्वांटिटी मल्टीप्लाई, क्वांटिटी में सम देते हैं आप, सम ऑफ क्वांटिटी, सिंपल क्वांटिटी ही होगा, माफ कीजिएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे यहां पे देखना है एवरेज, एवरेज ऑफ एमआरपी। ठीक है सर, पर हमको लग रहा है रिजल्ट गलत आया, क्या लग रहा है? एक बार मैच करके देखते हैं। नहीं, गलत है ना? तीन सौ एक, नहीं गलत। तो इसके लिए क्या करते हैं, आते हैं कैलकुलेटेड फील्ड में अगेन, यहां पे हम माउंट लेते हैं और यहां पे हम करते हैं सम, सम ऑफ क्वांटिटी। नहीं, इसका जो बेसिकली जो फील्ड कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता है, एक मैं इसी ओवर कैलकुलेशन से एक को कैलकुलेट करनी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अमाउंट यहाँ पर हटाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जो क्वांटिटी हमारा, राइट, अब इस क्वांटिटी के हिसाब से मुझे डिलीवरी चाहिए, मैं सबको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मुझे क्या इसकी डिलीवरी कॉस्ट निकालनी है, हर एक पैकेट की डिलीवरी मान लीजिए 800 रुपया, तो कैलकुलेटेड फील्ड में मैं यहाँ पे डिलीवरी का एक ऑप्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय हमने 7 रुपीज कर दिए है, तो अब जो आएगा यहाँ रिजल्ट वो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फील्ड को कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल के किसी और फील्ड के साथ करना चाहते हैं, तो ये चीजें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है पावर पिवट, ठीक है। करेक्ट रिजल्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? पावर पिवट। पावर पिवट की क्लास में हम आपको समझाएं, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मुझे कोई इंसेंटिव अगर, एक सिंगल रिजल्ट जो मैथमेटिकल रिजल्ट, सिंगल रिजल्ट आए उसमें इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्वांटिटी है, मैं चाहता हूं जो क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 लाख है उस पर 10,000 का इंसेंटिव देना है, और जो लेस देन 10,000 है उस, लेस देन जो 1 लाख है उस पर मुझे 5,000 इंसेंटिव देना है। ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हम कर सकते हैं कैलकुलेटेड फील्ड में, यहाँ पे हम डालेंगे INC और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इफ का, इफ ब्रैकेट में किया कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू इकाई दहाई सैकड़ा हजार बीस हजार लाख, तो 10,000 है अदरवाइज 5,000। इस तरह की कैलकुलेशन आप कर सकते, जिसमें किसी एक फील्ड का ही जिक्र हो, बाकियों का जिक्र ना, समझे?
ये तो हम नॉर्मल भी लगा सकते हैं ना फॉर्मूला एक बार लगा। इफ वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले क्या सिखाया था कि अगर मान लीजिए नॉर्मल यहाँ हम लगाएंगे तो पिवट का पार्ट, हाँ पिवट का पार्ट नहीं है ना, तो हम जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो तो पिवट के अंदर, ताकि वो पिवट का पार्ट बने। तो बाहर से करने के बाद फिर अंदर अपन उसको पार्ट बना दिया क्या? ऑप्शन नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं। तो ये वाला जो पिवट स्केल एनालिसिस वाला जो मोड है, ये शायद नए वाले एक्शन में हम देख रहे हैं कि सब वाले पार्ट ही है इसमें। सब में होगा, सब में पिवट पे क्लिक कीजिएगा, पिवट टेबल एनालाइज पे हाँ जाइएगा, फिर आइटम सेट दिख रहा हो, देखा क्लियर है उसी, इसके हाँ अंदर इस कैलकुलेटर फील्ड पे इस्तेमाल। अब मान लीजिए कोई पिवट आपको भेजा है, तो आपको पता करना है किसने फॉर्मूला वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। और कैसे पता चलेगा? जैसे कि यहाँ पे आप चेक करेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जो आपके डेटा सेट में नहीं है, तो मुझे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो जस्ट मुझे लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक कर, किस फॉर्मूला करना है? लिस्ट फॉर्मूला। जैसे लिस्ट फॉर्मूले पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे आ जाए, ठीक है, समझे? दोबारा बताइए कहाँ अपन ने कहाँ कैलकुलेट किए, कहाँ किए? हमने गए यहाँ पे, गए यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, उसी में नीचे आता है लिस्ट हाँ लिस्ट फॉर्म ठीक है ठीक है, हाँ क्लियर है? ठीक है। तो फॉर्मूला लिस्ट हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगा हाँ, है? अच्छा पूरा का पूरा एक अलग शीट पर खुलता है। अच्छा अब कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया आपको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, आगे चल के इसका हम यूज आपको करेंगे, तो आपको चीजें सीखेंगे। इसमें मेरे को ये तो कंप्लीट हो गया, मतलब मैं आज का तो कंप्लीट हाँ हो गया। तो हाँ हो गया, सही। कुछ पूछना है क्या? हाँ एक हाँ कुछ पूछना, पूछिए। हाँ एक तो मेरे को वो जो डेट वाला है ना, तो जो डेट कन्वर्जन अपन देखते हैं ना 24 दिसंबर 2024 को, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके, नंबर फॉर्मेटिंग में जाके, कस्टम में जाके जो चेंज कर रहे हैं, इससे चेंज नहीं हो रहा था, क्या गलती कर रहा था मैं? देखिए, सबसे पहले आप जो टाइप करेंगे डेट कटेगा, डेटा डेट में होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे ये डाला, हाँ डेट में कर दिया डेट जैसे। डेट में होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो टेक्स्ट होता है, ठीक है ना? तो आप कैसे पता करेंगे डेट है? आप उस पर एक जनरल फॉर्मेट अप्लाई करें, इस तरह का नंबर आकर में कन्वर्ट हो जाए। अगर इस तरह के नंबर में हाँ कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जो डेट, ठीक है? अब ठीक इसके है ऊपर आप चले जाएं कहाँ पे? कस्टम पे। अब यहाँ पे डी जो होता है डेट के लिए, एम होता है मंथ के लिए, और वाई होता है ईयर। हाँ अब मुझे चाहिए हाँ डी डी डैश एम डैश वाई वाई कीजिए एन। आ गया? अच्छा ठीक है। अगर जो डेट के फॉर्मेट में नहीं होता, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, तो फिर मैं कैसे करूं? तब आपको इसके उसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पर डबल क्लिक करके एंटर मारिएगा, डेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे साइड में डेट वैल्यू का फॉर्मूला रखना, किसका? डेट वैल्यू, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या बताया आपने? डबल क्लिक करके हाँ, डबल क्लिक करके उसपे पर्टिकुलर उसपे टेक्स्ट पे मैं डबल क्लिक कर दूँ, तो एंटर मारो। फिर वो डेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक जी, ठीक है, है ठीक चलो, सब ठीक है ना? चलिए है चलिए, हाँ प्रैक्टिस ठीक है कीजिए। ओके।